नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोविंद है और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बेसिकली हम बात करने वाले हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं, हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को लेकर और यह हम बताने वाले हैं 5 जोन जहाँ सिलेक्शन होने वाला है बहुत आसान। जी हाँ दोस्तों, वो कौन से जोन है जहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला बहुत आसान और यहाँ से यदि आपने फॉर्म भरा है तो आपकी बल्ले बल्ले है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने इस जोन से अपने फॉर्म को अप्लाई किया है तो आपकी दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और आपकी जो कि सिलेक्शन 100% होने वाला है, देख लो और जान लगा दो। जी हाँ दोस्तों, वो कौन से जोन है जहाँ से अपने फॉर्म अप्लाई किया है, यदि आपने भी वो जोन यहाँ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और यदि आप उस जोन से बिलोंग करते हैं दोस्तों, आप जान लगा दो, आपका जो है कि सिलेक्शन बहुत ज़्यादा पक्का होने वाला है। देख लो, अब होगा फ्री में सिलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, अब होगा फ्री में सिलेक्शन, यानी उस जोन के जो कट ऑफ है दोस्तों, यहाँ पे कट ऑफ की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे जो कि सिलेक्शन में बहुत आसान होने वाला है। और देखो और सब फ्री में सिलेक्शन पाओ और यहाँ पे जो कि जान लगा दो, यहाँ से अपने फॉर्म भरा है तो दोस्तों जैसे देखते हैं बहुत खुशी की बात है, जो कि 5 जोन में इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए परीक्षा के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि अब सिलेक्शन हो जाए 2022 में, जो कि एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, यदि आप चाहते हैं कि 2022 में आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्तों, आप ये इसको वीडियो को देखते रहिएगा। और जो लोग इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी पता कर पाए कि वो कौन से 5 जोन है जहाँ पर उनका सिलेक्शन जो किया बहुत आसान होने वाला है। ठीक है दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की बात करते हैं तो चलो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताएगा आप बोलते दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पहले विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब, अगर घंटे का बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, बताया कि आप डिटेल दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले जोन की। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में जो पहला जोन है, 5 जोन में से पहला वो जोन कौन सा है जिसमें सिलेक्शन बहुत आसान होने वाला है, तो पहला जोन दोस्तों जैसे देख पा रहे हैं मुंबई जोन। जी हाँ दोस्तों, मुंबई जोन जो है कि सबसे पहले नंबर पहला है, जो कि सिलेक्शन में बहुत आसान होने वाला है। सिलेक्शन किस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मुंबई में जोन में है, जो कि सिलेक्शन बहुत आसान है, क्योंकि दोस्तों जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो फॉर्म जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए हैं वो 2,32,748 जो कि यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए गए कैंडिडेट्स द्वारा। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की बात करते हैं, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो कि देख पा रहे हैं 10,734। जी हाँ दोस्तों, 10,734 यहाँ पे फॉर्म आ गया, वैकेंसी जो कि है रेलवे द्वारा निकाली गई थी। और कैंप की बात करें दोस्तों, दोनों जो दोस्तों बात करते हैं पर सीट पे कितनी कंपटीशन लड़ाई, एक सीट पे दोस्तों यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स 22 कैंडिडेट्स, जो कि यहाँ पे कैंडिडेट एक सीट के लिए यहाँ पे लड़ेंगे, और यहाँ पे जो कि एक सीट के लिए जो प्रिपेयर होंगे वो 22 कैंडिडेट्स यहाँ पे एक सीट पे लड़ाई करेंगे। और बात करते हैं फिजिकल की, तो फिजिकल में कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जैसे क्वालिफाई फॉर पीटी, कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा, जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे 32,202 कैंडिडेट्स। जी हाँ दोस्तों, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ दोस्तों, जो किया 32,202 कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो किया है आपको पीटी के लिए मुंबई जोन में बुलाया जाएगा। और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने यहाँ पे पर सीट के लिए दोस्तों, पर सीट के लिए जो कैंडिडेट्स लड़ाई करेंगे वो 22 सीट कैंडिडेट्स एक सीट के लिए यहाँ पे जो किया यहाँ पे लड़ाई करेंगे। तो पहला दोस्तों जो सबसे सिलेक्शन आसान में जो बात की जा रही है दोस्तों, सबसे पहले बहुत आसान सिलेक्शन में फ्री सिलेक्शन के लिए बात करें तो पहले में दोस्तों मुंबई जोन का नाम लिया जा रहा है। दोस्तों दूसरे जोन की बात करते हैं रेलवे में जो ग्रुप डी में, जैसे देख पा रहे हैं 5 जोन में से दूसरा जोन सिलेक्शन के लिए बहुत आसान होने वाला वो हो रहा है आपका हाजीपुर जोन। इसमें बात करें सबसे नंबर ऑफ फॉर्म कितने यहाँ पे कैंडिडेट्स के द्वारा भरे गए, तो 99,172 पोस्ट जो कि यहाँ पे फॉर्म के लिए अप्लाई किए गए। और कैंडिडेट्स यहाँ पे वैकेंसी कितनी थी दोस्तों, तो 35,563 जो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे दी गई थी। और यहाँ पे जो पर सीट कंपटीशन होने वाला है वो होने वाला आपका एक सीट के लिए यहाँ पे 27 कैंडिडेट। जी हाँ दोस्तों, एक सीट पे 27 कैंडिडेट यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे उनका कंपटीशन रहने वाला है। और बात करते हैं पीईटी की दोस्तों, तो क्वालिफाई पीईटी दोस्तों यहाँ पे करना 3 गुना यहाँ कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, जैसे कि देख पा रहे 10,679 जो है 10,679 पोस्ट पे मतलब कैंडिडेट्स यहाँ पे बुलाए जाएंगे। और फिजिकल में जो कंपटीशन रहने वाला वो पर सीट दोस्तों 9 कैंडिडेट्स यहाँ पे लड़ाई करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दूसरा सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो सबसे आसान सिलेक्शन प्रोसेस के लिए माना जा रहा है, जो कि सिलेक्शन के लिए यहाँ पे माना जा रहा है, वो हाजीपुर जोन को माना जा रहा है सेकेंड नंबर पर। पहले नंबर पर मुंबई, दूसरे पे हाजीपुर,
दोस्तों तीसरे प्रोसेस की बात करते हैं, रेलवे ग्रुप डी जी हैं दोस्तों, तीसरे जोन पाँचों में से तीसरा जोन जो सिलेक्शन में बहुत आसान रहने वाला है वो है भुवनेश्वर जोन, जिसे देख पा रहे हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो 91,313 जी हाँ दोस्तों 91,313 कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 2555 है जी हाँ दोस्तों। अब पर कॉम्पिटिशन यहाँ पे कैंडिडेट्स कितने रहने वाले हैं, जैसे देख पा रहे हैं कि पर कैंडिडेट्स कॉम्पिटिशन यहाँ पे एक सीट पर दोस्तों 36 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। और बात करें फिजिकल की दोस्तों, फिजिकल की जैसे देख पा रहे हैं क्वालिफाई पीईटी के लिए 7,665 कैंडिडेट्स यहाँ पे रहने वाले, और पर सीट पे फिजिकल में 11 कैंडिडेट्स यहाँ पे आपको फाइट करने वाले हैं। दोस्तों तीसरा जो सिलेक्शन के लिए जोन आसान रहने वाला है वो रहने वाला है भुवनेश्वर जोन, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर सीट पे 36 कैंडिडेट्स आपको यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरे सिलेक्शन आसान जो फी जोन बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं चौथा जो जो है कि सबसे आसान सिलेक्शन का जोन कौन सा माना जा रहा है, तो जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए यहाँ पे चौथा आसान सिलेक्शन जोन माना जा रहा है वो है माना जा रहा है दोस्तों कि जैसे कि देख पा रहे हैं गुवाहाटी जी हाँ दोस्तों, गुवाहाटी जोन जो कि है सबसे सिलेक्शन का सिलेक्शन जोन माना जा रहा है आसान सिलेक्शन जोन, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, तो 8,6,454। ठीक है दोस्तों 86,454 जो कि है यहाँ पे, तो दोस्तों 86,454 पोस्ट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए गए कैंडिडेट्स द्वारा। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 2854 दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी। पर कंपटीशन की बात करें तो पर कंपटीशन यहाँ पे दोस्तों आपका रहने वाला है 24 कैंडिडेट एक सीट के लिए यहाँ पे जो कि लड़ाई करने वाले, तो 5 दोस्तों चौथा सिलेक्शन का जो से पीटी की बात करें तो 8,564 कैंडिडेट्स यहाँ पे जो कि क्वालिफाई किए जाएंगे पीटी के लिए। तो दोस्तों क्वालिटी जोन जो कि चौथा सिलेक्शन जोन वो कि बहुत आसान जोन रेलवे के लिए माना जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यदि आपने इस जोन से फॉर्म को अप्लाई किया तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है। बात करते हो अगले जोन की, तो अगला जोन जैसे देख पा रहे हैं यहाँ से पे कोलकाता जोन जी हाँ दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के लिए यहाँ पे पाँचवा जोन जो लास्ट जोन है सिलेक्शन का वो बहुत आसान रहने वाला है, जो कि कोलकाता जोन से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स से फॉर्म अप्लाई किए हैं वो 2,30,394 पोस्ट यहाँ सॉरी दोस्तों कैंडिडेट्स ने यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई किए, इतने कैंडिडेट्स ने अपने फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई किया। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 10,873 वैकेंसीज यहाँ पे कोलकाता जोन से यहाँ पे पब्लिश की गई थी, और पर कैंडिडेट्स देख पा रहे हैं एक कैंडिडेट सीट पे 22 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट करने वाले हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं एक सीट पे 22 कैंडिडेट्स यहाँ फाइट करेंगे, और जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो क्वालिफाई किए जाएंगे कैंडिडेट्स वो 3,232,619 कैंडिडेट्स यहाँ पे पीटी के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। देन उनको उनमें जो पीटी के लिए जो कंपटीशन होने वाला है वो एक पर एक सीट पे 7 कैंडिडेट्स का रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, जैसे देख पहला जोन जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे आप मैंने बताया था आपको मुंबई जोन, जैसे कि रेलवे में सबसे आसान सिलेक्शन के लिए पहले में मुंबई जोन, दूसरे में मैंने बताया था जैसे देख पा रहे हैं दूसरे मैंने बताया था आपका जैसे कि हाजीपुर जोन एंड सिलेक्शन के लिए बहुत आसान दूसरा जोन, और तीसरा जोन जो जैसे कि देख पा रहे हैं तीसरा जोन की बात करें तो तीसरा जोन जो कि आपका भुवनेश्वर जोन, जैसे कि रेलवे में पाँचवें में तीसरे जोन पे आया था जो कि आसानी में। बात करें चौथे की तो चौथे के देख पा रहे हैं जैसे कोलकाता जोन दोस्तों। पाँचवा जोन की बात करते हैं दोस्तों, पाँचवें जोन में जैसे कि आपका गुवाहाटी जोन जो कि सबसे आसान जोन में से एक माना जा रहा है, जो कि पाँचों जोन में पांच जोन जैसे कि मैंने आपको बताया था उनमें सबसे मतलब आसान जोन जो कि गुवाहाटी भी माना जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जिन लोगों ने यहाँ से फॉर्म को अप्लाई किया है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, और उनकी बल्ले बल्ले जो कि पाँच जोन से इन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया होगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा को लेकर जैसे कि पांच जोन जहाँ पर सिलेक्शन बहुत आसान होने वाला है, और यहाँ पे मैंने बता दिया कि पांच जोन में कौन से जहाँ पे आपका जो कि फॉर्म का सिलेक्शन हो बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। यदि आपने यहाँ से फॉर्म भरा तो आपके बल्ले बल्ले 20,000 मैंने आपको बताया साहब देख लिया, और देखो जान लगा तो जी दोस्तों आप पढ़ाई में मेहनत करें, और ये जो कि सिलेक्शन इस बार होने वाला है तो देख लो दोस्तों किन लोगों का किन कौन से जोन्स में जो कि फिल सिलेक्शन यहाँ पे पक्का दिखाया जा रहा है वो कौन कौन से जोन है। दोस्तों आशा करते हैं सारी जानकारी जैसे कि मैंने आपको बताया पांचों जोन के बारे में आप जैसे कि जान गए होंगे, पहला जोन आपका मुंबई था, दूसरे जोन की बात करें तो दूसरा जोन कोलकाता, ठीक है दोस्तों तीसरा गुवाहाटी, चौथा जैसे कि देख पा रहे आपका जैसे भुवनेश्वर रहने वाला था, और पाँचवा जैसे देख पा रहे आपका जो था कि आपका कोलकाता था। ठीक है दोस्तों, भुवनेश्वर कोलकाता। ठीक है दोस्तों, ये पाँच जोन जो कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, और मैंने आपके इसके बारे में डिटेल बता दिया कि रेलवे में कौन से ग्रुप डी जो पांच जोन कौन से जो कि आपका बहुत सिलेक्शन बहुत ज़्यादा
आसान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 21,000 रुपये मैंने बताया दोस्तों। आशा करते हैं सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पहले विजिट किए चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लो, घंटे का बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।